जय दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, और इसमें पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंडिंग यूनिट डिजिट। तो आप लोग लिख सकते हैं हेडिंग फाइंडिंग यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अगर आपको किसी भी नंबर में इकाई का अंक पता करना है, तो आप ध्यान रखें इकाई का अंक केवल इकाई के अंक पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 3 2 9 7 4 × 5 7 3 2 9 × 8 9 4 3 2 7 × 5 4 3 2 3, मान लीजिए नंबर है और इसका हमें यूनिट डिजिट पता करना है। तो नंबर्स का यूनिट डिजिट पता करने के लिए हम केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, और अगर हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट को देखें, जैसे पहले नंबर का यूनिट डिजिट 4 है, दूसरे का 9 है, तीसरे का 7 है और चौथे का 3 है, तो हम क्या करेंगे, केवल यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 में यूनिट डिजिट 6, फिर 6 का 7 में मल्टीप्लाई करिए 6 7 का 42, 6 7 42, 42 में इकाई का अंक 2, फिर आप इस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करिए 2 3 6, और आपको यूनिट डिजिट पता चल जाएगा कितना होगा, 6 होगा। समझ में आया? तो अगर इस तरीके से साधारण नंबर आपके सामने हो तो आप बड़ा इजीली बता सकते हैं सर यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट के लिए केवल आप यूनिट डिजिट को सेलेक्ट करिए और सबका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट देखते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बात आप लोग इजीली कर पाएंगे, आगे क्या देखना हम लोगों को ये देखिएगा। अब आगे अगर मान लीजिए नंबर्स पावर के फॉर्म में आ जाते हैं, नंबर्स पावर के फॉर्म में का क्या मतलब, मान लीजिए हमारे पास आ गया 2 पर पावर 32 33, मान लीजिए 2 पर पावर 33 का हमको बताना है इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में जब भी आपको पावर वाला नंबर दिखे तब आप पावर को छोटा बनाने का कोशिश करिए। याद रखें हर एक नंबर पर पावर 4 के बाद उस नंबर की डिजिट लास्ट डिजिट रिपीट होने लगती है। कोई भी डिजिट जैसे अपने पास आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अपने पास कितने डिजिट हैं, 9 डिजिट हैं। अगर इन 9 डिजिट पर आप 4 पावर के बाद देखोगे तो वही फिर से रिपीट होने लगेगा जो 1 से लेकर 4 तक आया था। जैसे 0 पर पावर 1 का यूनिट डिजिट 0 है, 0 पर पावर 2 करेंगे तब भी 0 होगा, 0 पे 3 करेंगे तब भी 0 होगा, 4 करेंगे तब भी 0 होगा, 5 करेंगे तब भी 0 होगा। आप देख रहे हैं जो 1 पे है वही 0 पे है, ऐसा कहीं जो 4 पे है वही 0 पर भी है। आप फिर से देखें जैसे 1 पे पावर 1 की वैल्यू 1, 1 पे पावर 2 की वैल्यू 1, 1 पे 3 है तो 1, 1 4 है तो 1 और 1 पे पावर 5 है तो 1। आगे बढ़ते हैं 2 पे पावर 1 की वैल्यू 2, 2 पे पावर 3 2 की वैल्यू 4, 2 पे पावर 3 की वैल्यू 8, 2 पर पावर 4 की वैल्यू 16 और 2 पर पावर 5 की वैल्यू कितनी हो रही है, 32। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि सर जो एक पावर था, जैसे 2 पर पावर 1 था, इसका यूनिट डिजिट कितना था, 2 था, और वही यूनिट डिजिट 2 पर पावर 5 में है। मतलब हर एक 4 पावर के बाद कभी भी सारे नंबर को आप ऐसे चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर में 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट वही आने वाला है, और अगर यूनिट डिजिट रिपीट होता है तो इस बात को हम लोग बोल सकते हैं साइक्लिसिटी। क्या बोलेंगे, साइक्लिसिटी। इसका मतलब हर एक नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 होने का मतलब हर एक नंबर का यूनिट डिजिट पावर 4 के बाद रिपीट होगा। आप एक एग्जांपल और समझे, 3 पे पावर 1 की वैल्यू 3, 3 पे पावर 2 की वैल्यू 9, 3 पे पावर 3 की वैल्यू 27, 3 पे पावर 4 की वैल्यू होता है 81, और 3 पे पावर 5 की वैल्यू कितना होता है, 243। आप देख पाएंगे कि 3 पर पावर 1 में यूनिट डिजिट 3 मिलेगा और 3 पर पावर 5 में भी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पर हम कोई भी डिजिट ले लें 0 से 9 तक, हर एक डिजिट में पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना ही है। इसलिए जब भी आपको पावर वाला नंबर दिखे तो आप सिंपली क्या करिए, पावर में 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लीजिए। जैसे 2 पर पावर 33 के इकाई का अंक बताना है तो आप 33 में 4 से डिवाइड कर दो। अगर आप 33 में 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलेंगे 1, और अगर मैं कहूँ 2 पर पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सर 2 पावर 33 का इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा।
एक बात और याद करने लायक है, वैसे तो सभी नंबर को आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन 0, 1, 5, 6 ऐसे नंबर है जिनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। कहने का मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 3890 पर पावर 27 या 273, अगर मैं कहूँ इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे 0 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, अगर यहाँ पे 1 होता तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता, 1, अगर 5 होता तो यूनिट डिजिट 5 होता, और अगर 6 होता तो यूनिट डिजिट 6 होता। तो 0, 1, 5, 6 कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई डिजिट आता तो आप 4 से डिवाइड करके क्या पता कर सकते हैं रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू पता कर लीजिएगा और आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा। क्लियर है? आपको मैं कुछ प्रैक्टिस से इन बातों को बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। आई मेरे पास कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये बेसिक कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा अगर आप लोग ध्यान से इन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को फोकस कर लेंगे। जैसे देखिए प्रीवियस ईयर में SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 4 9 2 3 7 × 3 9 9 5 × 7 3 8 × 83 × 9। आपसे कह रहा है इसका इकाई अंक बताइए। आप बोलेंगे वेरी सिंपल, क्या करना है हमको, केवल यूनिट डिजिट सेलेक्ट करना है और यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करना। 7 5 35 35 में यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 5 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, 5 8 जा बोलेंगे 40 40 में यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0 0 का 3 में, अगर 0 आ गया तो अब हर जगह कितना आने वाला है, 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर हमको आंसर बताना है क्या होगा तो हम बता सकते हैं इजीली कितना होगा, 0 होगा। आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि कभी भी अगर 5 के साथ इवन नंबर आएगा, 5 के साथ इवन नंबर, आप जानते हैं इवन नंबर में 2 आता है, और अगर 5 के साथ इवन नंबर आया तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताओ, नोट कर लेंगे आप लोग ना, नोट करते रहिएगा साथ में। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा 81 × 82 × 83 × 89 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर देखिए 82 एक इवन नंबर है, और अगर आप लोग 89 तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बीच में 85 मिलेगा, और 85 में 5 आ रहा है, तो आप देखेंगे एक इवन नंबर मिला और एक 5 वाला नंबर मिला। अगर इवन नंबर और 5 वाला नंबर मिल गया तो आप डायरेक्टली यूनिट डिजिट कितना बता देंगे, 2 5 10। देखिए यूनिट डिजिट के यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10 10 का यूनिट डिजिट 0 है, और अब 0 का कहीं भी मल्टीप्लाई करिए, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एक और समझिए, जैसे मान लीजिए हमसे क्या देता है कि सर बताइए कि अगर हम लोग फर्स्ट 1000 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा, प्रथम 1000 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर इसके गुणनफल में हमसे आप इकाई का अंक पूछ रहे हैं तो तुरंत हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, 2 से 2 के बाद क्या आता है, 3 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, इसके बाद इस तरीके से। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्राइम नंबर, ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। तो हम कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 2 2 के बाद 3 5 7 इस तरीके से आगे आप बहुत सारी अभाज्य संख्या पाएंगे, लेकिन हमको सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे ही 2 और 5 मिलेगा 2 5 10 यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिट डिजिट समझ में आ रहा होगा कि अगर 5 के साथ कभी भी अभाज्य संख्या मिलेगी, सॉरी 5 के साथ कभी भी अगर आपको सम संख्या मिलेगी तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये देखिए 2 power 3 power 4 × 3 power 4 power 5 × 4 power 5 power 6 × 5 power 6 power 7 × 6 power 7 power 8 × 7 power 8 power 9 × 9 power 10 power 11। मान लीजिए इसमें आपको यूनिट डिजिट पता करना, तो आप बोलेंगे वेरी सिंपल,
सर यहाँ पे हम देख रहे हैं दो एक इवन नंबर है और दो के साथ क्या आ गया पांच, और अगर दो के साथ पांच आता है तो एक सम संख्या है, इस पर कुछ भी पावर करेंगे तो सम ही आएगा, और पांच पर कुछ भी पावर करेंगे यूनिट डिजिट पांच ही आने वाला है, और दो और पांच का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट जीरो, और अब जीरो का कहीं भी मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट डिजिट क्या जाएगा जीरो। क्लियर है? ये दूसरा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, आपने समझा होगा। आगे बढ़ अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर 3 पर पावर 40 इसका यूनिट डिजिट बताइए कितना होगा, 3 पर पावर 40 का यूनिट डिजिट बताना है। तो हमने क्या बताया अभी कि जब भी पावर वाली वैल्यू आए तो आप उसमें 4 से डिवाइड कर दो, जैसे 4 से 40 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, हाँ जीरो। रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो आप क्या करेंगे पावर 4 रख देंगे, और अगर आप पावर 4 रख देंगे तो 3 में 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3 × 3, और आप पाएंगे 81 हो जाएगा, और 81 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 5 power 6 to 5 1 into 36 not into plus plus 36 power 528 plus 73 power 54, इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है दोस्तों कितना होगा। तो आपको अभी क्या मैंने क्या बताया कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है, मतलब यूनिट डिजिट 5 है, और उस पर कुछ भी पावर रखे यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 5। ओके, ऐसे ही 6 पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 6, और ऐसे ही अगर 3 है तो 3 के केस में आप कहेंगे कि सर हम लोग 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे, और अगर हम 54 में 4 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचेगा। समझ रहे हैं? तो हम कितना कर देंगे 3 पर 2, और 6 5 हो गया 11, और 3 3 9 11 9 20, और 20 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा जीरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ यहाँ पे देखिए 7 power 71 into 6 power 63 into 3 power 65, आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बता सकते हैं? बोलेंगे हाँ सर, अभी आपने बताया कि सर यूनिट डिजिट पता करने के लिए अगर पावर वाला नंबर है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे पावर में, जैसे अगर हम 71 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, और पावर अगर 6 पर कुछ भी हो यूनिट डिजिट कितना होगा 6, और वैसे ही अगर 65 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आप पाते हैं रिमाइंडर कितना होगा 1। ओके, तो 7 power 3 में यूनिट डिजिट देखिए 7 7 7 7 49 9 9 7 63, इकाई का अंक होगा 3 × 6 × 3, तो 3 6 18 8 हुआ, 8 3 24, और 24 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़े, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 417 power 13 total power 47, और आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ नहीं, आप लोगों ने सब कुछ सीखा ही हुआ है कि सर इसका यूनिट डिजिट केवल 7 पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले हम 7 लिख देते हैं, 7 पे पावर, अगर पावर पे पावर है तो आप सबको पता है पावर का पावर में क्या होगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे शेष पर पता करिए, 13 में 4 से भाग देंगे 4 3 12, शेष पर कितना बचेगा 1, ऐसे ही 47 में भाग दीजिए शेष पर कितना बचेगा 3, इसका मतलब हुआ कि 7 पर पावर 1 × 3, और 1 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? अब 7 का 7 में 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो आप पाते हैं 343, और 343 का इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, 633 देखिएगा, 633 power 24 −277 power 38 +266 power 54, आपको बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा। फिर वही बात करेंगे आप कि आपको यूनिट डिजिट अगर पता करना है तो लास्ट डिजिट देखिए
पावर में चार से भाग दीजिए, अगर पूरा पूरा चला जाए तो जीरो मत रखिए, चार रख दीजिए। 38 में चार से भाग दीजिए, और अगर आप 38 में चार से भाग देते हैं तो 36 इसमें कितना बचेगा, दो। और 6 पर कुछ भी हो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 6 ही आना है। आप सॉल्व करेंगे तभी चाहेगा, लेकिन आप याद कर ले हमेशा मैंने आपको बताया 0, 1, 5, 6 अगर है तो यूनिट डिजिट हमेशा बदलता नहीं है, सेम रहता है। क्लियर है? तो आप इसमें क्या कह पाएंगे कि 3 पर पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 होगा, 7 पर पावर 2 में यूनिट डिजिट 9 होगा, और 6 के 6 होगा। अब आप पाएंगे 6 और 1 7 में से 9 घटाना है। अब आप जानते हैं यूनिट डिजिट तो एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, अंतिम अंक एग्जैक्ट मान नहीं होता बेटा। आपको अंतिम अंक से जब भी अगला घटाना होगा तो आप बगल वाले से कैरी करते हैं, और मान लीजिए अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आप घटा दीजिए, 7 से -2 बचेगा, और जब माइनस आए तो उसमें 10 जोड़ दीजिए, और अगर आप -2 में 10 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना जाएगा, 8। क्लियर है? तो आपको इकाई का अंक समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग नोट करते रहे और कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए कह रहा है, देखिए सीरियल में पूछा हुआ है कि 433 इंटू 456 इंटू 43 एन का इकाई अंक, पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट बोल रहा है कि इसका इकाई अंक जो है वह n प्लस 2 है, तो आपको बताना n का वैल्यू जो पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है 6। चलिए आप बता दीजिए इसमें n का मान क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट n प्लस 2 हो जाए। मतलब मैं बताता हूं, अभी आपने कहा कि जब भी बुरा वाला नंबर आए तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, हम केवल यूनिट डिजिट सेलेक्ट करेंगे और यूनिट डिजिट सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3, 6, 18 18 में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8, 3, 4, 18 18 में इकाई का अंक 8 आएगा। अब 8 का n में गुणा करें ऐसे यूनिट डिजिट n प्लस 2 मिले। अब क्या करें, ऑप्शन पुट करके देखें ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर हम 3 रख दें तो अगर n का मान हम 3 रखते हैं तो आप पाएंगे 8 3 24 मतलब n का मान 3 रखने पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोला है यूनिट डिजिट n प्लस 2 आना चाहिए। तो अगर आप n की जगह पर 3 रखते हैं तो 3 2 आना चाहिए 5 और आ रहा है 4, इसका मतलब पहला नहीं हो सकता। अगला चेक करिए, ऐसे ही अगर आप n की जगह पर 8 रख देते हैं तब बताइए यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा। बोलेंगे उस केस में सर अगर हम लोग 8 रखते हैं n का मान, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 8 64, और 64 में इकाई का अंक कितना आएगा, 4। और क्या यह 4 n प्लस 2 के बराबर है, भाई n का मान 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा, इसका मतलब भी बराबर नहीं है, इसलिए दूसरा भी नहीं हो सकता। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तीसरा देख लें, अगर n के जगह पर हम 1 रखते हैं तो आप कहेंगे उस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 1 8। और बताइए क्या n प्लस 2 के बराबर होगा, भाई n के जगह पर 1 रखते हैं अगर तो 2 1 3 होगा, बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, चौथा ही बचा है, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं। n के जगह पर आप रख दीजिए बेटा 6, और जब आप n के जगह पर 6 रखते हैं तो आप देखिए क्या पाएंगे, 8 6 48 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आप मुझे बताइए क्या 8 n प्लस 2 के बराबर है, भाई n का मान हमको रखना है 6, अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि सर ऑप्शन डी इस ऑप्शन में करेक्ट। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन सीजन में पूछा गया बेटा, कह रहा है कि 333 द यूनिट डिजिट ऑफ, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 333333 इज 7, कह रहा है इसका यूनिट डिजिट 7 है तो आपको बताना है यूनिट डिजिट, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7777 और एन। तो ये क्वेश्चन है, आपने अभी क्या कहा कि अगर
पावर वाली वैल्यू आए तो हम केवल लास्ट वाला नंबर देखेंगे और उस पर पावर रख के अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया यूनिट डिजिट कितना है 7। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि अगर 7 पर पावर n हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपको बता रहा है। क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप लोग, आपसे कह रहा है, मैं इधर लिख देता हूं चमक आ रहा होगा, कह रहा है कि सर 3 पर पावर n अगर है तो यूनिट डिजिट 7 है, तो बताइए 7 पर पावर n में यूनिट डिजिट क्या है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं 1 रखूं तो 3 पर पावर 1 7 नहीं आ सकता, 2 रखूं तो 3 × 9 नहीं आ सकता, मगर अगर मैं 3 रखूं तो 3 × 9 = 27। हाँ देखिए 27 में क्या एकांक कितना है 7 है, इसका मतलब n की जगह पर हमको क्या रखना होगा 3 रखना होगा, और अगर n की जगह पर हम 3 रखते हैं बेटा तो यहाँ पर 7 पर भी 3 होगा और 7 पर 3 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोले समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। रेस कर दो, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फोकस होके आप आदत बनाइए पढ़ने का, आपको चीजें अच्छी लगेंगी। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि बिना बात किए हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की हम लोग कम समय में प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, कोशिश करेंगे वीडियो आधे घंटे में ही खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है बेटा। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 पावर 3 पावर 4, ये वाला तो हो गया था, ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 4 × 9² × 4³ × 4⁴ × 9⁴ × 4⁴ × 99 × 5⁴ × 9⁴ × 100। आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिए, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं यूनिट डिजिट। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा, आया तो भी अच्छा, नहीं तो देखिए आप ध्यान से कैसे करेंगे इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आप कह रहे हैं कि सर 1 से लेकर 100 तक है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या टोटल 100 है, और आप देखेंगे हर अल्टरनेट में 4 9 4 9 4 9, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर 4 भी 100 में से 50 बार आया है और 9 भी 100 में से कितनी बार आया है 50 बार। ठीक है ना, 4 50 बार आया है और 9 भी कितनी बार आया है 50 बार। अच्छा 4 और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप याद रखें 4 और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इनके बारे में एक स्पेशल केस आप याद कर लीजिए कि अगर 4 पर पावर ऑड है, जैसे 4 पर पावर 1 समझ लीजिए, 1 ऑड संख्या है, तो 4 पर 1 का मान कितना होगा 4, और 4 पर पावर अगर इवन है तो इवन सबसे छोटी संख्या 2 मान लीजिए, तो 4 × 2 = 6, इकाई का अंक कितना आएगा 6। आपको याद रख लेना है कि 4 पर अगर 8 है तो हमेशा 4 आएगा और इवन है तो कितना आएगा 6 आएगा। इसी तरीके से अगर 9 पर ऑड है तो 9 पर 8 का मतलब 9 पर 1 मान लीजिए 9 होगा, और 9 पर अगर इवन है, इवन का मतलब 2, तो 9 × 81 इकाई का कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे इसमें देखिए 4 हर बार जैसे ऑड आ रहा है, देखिए यहाँ भी 4 पर ऑड है, यहाँ भी 4 पे ऑड है, यहाँ भी 4 पे ऑड है, हर जगह 4 पे ऑड आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि 4 पर अगर ऑड मतलब विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना बना रहेगा बेटा 4 बना रहेगा। तो इकाई का अंक हर जगह 4 4 4 4 4, और 4 का अगर आप 50 बार गुणा करेंगे तो 4 पर कितना आ जाएगा 50 गुणे। ऐसे ही बेटा 9 पर देखिए हर जगह इवन है, और 9 पर अगर इवन है तो इकाई का अंक हर जगह कितना आने वाला है 1, और 1 का 1 में कितनी भी बार गुणा करिए इकाई का अंक 1 ही आएगा। अब आप देख रहे हैं 4 पर 50 है और 50 इवन है कि ऑड है, वैसे तो 4 से बात देखे भी आप इकाई का अंक पता कर लेंगे, लेकिन अगर आपको एक बात याद है कि 4 पर अगर इवन है तो इकाई का अंक 6 होगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6 होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है वही सेम, बस यहाँ पे सारी चेंज कर दिया, 4 + 9² + 4³ + 9⁴ + 4⁴ + 9⁴ + 9⁴
प्लस एन सो ऑन 4 पावर 99 प्लस 9 पावर 100। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। बता सकते हैं सेम केस होगा कि 4 पर हर जगह आप देखेंगे पावर 8 है और इधर पावर 8 है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी 4 आने वाला है, यहाँ भी 4 आने वाला है, यहाँ भी कितनी बार 4 आएगा, 50 बार। और 4 को अगर 50 बार जोड़ेंगे तो 4 × 50, क्लियर है। इसी तरीके से 9 पर सम संख्या हर जगह, और अगर सम संख्या तो इकाई का अंक एक आएगा, वो भी जुड़ना 50 बार, तो 1 × 50। तो 50 के 200 प्लस 50 के 50, और 200 में 50 जोड़ेंगे 250, और 250 का यूनिट डिजिट कितना होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? बोर मत होइएगा, हम चाह रहे हैं जल्दी से खत्म करें, इसलिए फालतू बात नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus factorial 4 plus factorial 5 plus 1 factorial, मान लीजिए 880। आपको बताना इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बात समझिएगा, वैसे मुझे लगता है सब लोग जानते होंगे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से गुणा करना, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई। जैसे फैक्टोरियल 1 है तो 1 ही रहने दीजिए, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 है इसका मतलब 3 से लेकर 1 तक हमको चलना है घटते हुए क्रम में, फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 5 तो 5 × 3 × 2 × 1। आप देखेंगे फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 4, 12 × 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120। अच्छा, आप देख पाएंगे फैक्टोरियल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए फैक्टोरियल 1 का इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का इकाई का अंक 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का इकाई का अंक 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का इकाई का अंक 4 होगा, लेकिन फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0। थोड़ा नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जब भी आप 4 से आगे जाएंगे तो आपको 5 तो मिलेगा, जैसे फैक्टोरियल 5 में देखिए 5 से लेकर 1 तक जाएंगे तो 5 और 2 मिलेगा कि नहीं, और अगर 5 और 2 मिल जाता है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। जैसे फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 में बताइए क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1, हमें सबसे नहीं मतलब है, हम देख पाएंगे अगर फैक्टोरियल 6 है तो 5 और 2 का आना पक्का है, और अगर 5 और 2 आता है तो फैक्टोरियल 5 से आगे के सारे नंबर का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और अगर यूनिट डिजिट सारे आगे के 0 हो गए तो क्या ही मतलब है, हमको तो इन्हीं सबको देखना है, 6 4 10 2 12 1 13, और 13 का इकाई का कितना आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नोट कर लेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन इंटू फैक्टोरियल 1 पर पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 × फैक्टोरियल 2 पर पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 × फैक्टोरियल 3 पर पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 × फैक्टोरियल 4 पर पावर फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन 1000 × 1000 फैक्टोरियल पर पावर 1000। दिख रहा है तक? अब इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, क्या करेंगे आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 1 पर कुछ भी हो इकाई का अंक 1 आने वाला है, प्लस 2 × फैक्टोरियल 2 का मान, अभी आपने कहा था कि सर फैक्टोरियल 1 का मान हम लोगों ने पता किया था 1 था, फैक्टोरियल 2 का मान 2 था, फैक्टोरियल 3 का मान 6 था, फैक्टोरियल 4 का मान 24 था, फैक्टोरियल 5 या 5 से आगे में सब में यूनिट डिजिट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 2 का मान 2 है, लेकिन 2 पर पावर भी 2 है, और 2 पर पावर 2 का मान कितना होगा, 4, तो 2 × 4 सीधे कर लीजिए प्लस 3 × फैक्टोरियल 3 का मान कितना है, 6, और 6 पर पावर कुछ भी हो इकाई का अंक आप जानते कितना आता है, 6 प्लस 4 × फैक्टोरियल 4 का मान 24, और 24 में इकाई का अंक देखे कितना है, 4 है, और 4 पर पावर अगर फैक्टोरियल 4 करते हैं, आप जानते हैं फैक्टोरियल 4 एक सम संख्या, फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, 24,
फैक्टोरियल 4 एक सम संख्या है और 4 पर अगर सम संख्या तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। अभी हम लोगों ने पढ़ा था और इसके आगे अभी आपने देखा था सारे के सारे नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा, पावर कुछ भी हो सब क्या रह जाएंगे 0। हमें इन्हीं को सॉल्व कर लेना है। 1 1 = 1, 2 4 = 8, 6 3 = 18, 4 6 = 24। इकाई का अंक जोड़िए 8 1 9, 9 8 17, 17 4 21, और 21 में इकाई का अंक क्या होगा 1। क्लियर है? तो आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन इस तरीके से। और भी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।